हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 इसका देख चुके हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने बना रखे हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। इसमें जो लेंचो है एक फार्मर है और उसकी फैमिली जो है पूरे के पूरे ये लोग मिल करके सब लोग कॉर्न की खेती करते हैं, मक्के की खेती करते हैं। और पहले लोग विश कर रहे होते हैं कि इनकी जो हार्वेस्ट होगी, फसल आएगी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। बट क्या होता है, बहुत ही भयंकर बारिश पड़ती है, तूफान, और बारिश के साथ ओले पड़ते हैं और वो सारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। और फिर ये लोग सोचते हैं कि अब इस साल तो हम लोग भूखे ही रह जाएंगे। फिर अब आगे है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो फिर उस वैली में, उस इलाके में जितने भी लोग रहते थे, सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी मतलब अकेला सा हाउस जो मिडल ऑफ द वैली था, वैली के बीच में था, हर किसी के मन में एक सोच तो ज़रूर थी कि हम लोगों को भगवान जो है वो ऐसे ही नहीं मरने देंगे, हमें भगवान मदद ज़रूर करेंगे। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो फिर मतलब वही होता है कि इतना upset मत हो, और ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है, कोई भूखा नहीं मरेगा। That's what they say, no one dies of hunger. ऐसा लोग कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो Lencho उस रात, पूरी रात यही सोच रहा था कि जैसा उसको बचपन से बताया गया था कि भगवान जो हैं वो सब कुछ देखते हैं, और भले ही हमें ना लगता हो, मतलब भगवान सब कुछ देखते हैं, हमारे मन में, हमारी कंसाइंस में, हमारे जो मन में विचार चल रहे होते हैं वो भी भगवान देख सकते हैं, समझ सकते हैं। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to ride. Lencho जो है वो बिल्कुल बैल की तरह काम करता था, एक मतलब बहुत किसान था वो, बिल्कुल मेहनत से वो खेतों में काम करता था, मगर उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। संडे की जो है डे ब्रेक, दिन के समय पर उसने लेटर लिखना शुरू करा, और वो लेटर वो खुद ही ले जाने वाला था शहर के मेल बॉक्स में। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और वो लेटर क्या था, वो लेटर एक लेटर टू गॉड था, भगवान को वो एक पत्र था। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई गो हंग्री दिस ईयर। अगर तो वो लिखते हैं Lencho, भगवान अगर हमारी मदद नहीं करेंगे तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे, भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हिल स्ट्रॉम। ठीक है, तो वो क्या लिखता है कि मेरे को 100 pesos की ज़रूरत है अपने फील्ड में फसल लगाने के लिए, और जब तक फसल नहीं उग जाती है तब तक जिंदा रहने के लिए, क्योंकि हेल स्ट्रॉम की वजह से फसल वगैरह ख़राब हो गई है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप के ऊपर वो क्या लिखता है, टू गॉड, पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। फिर उसके बाद वो एनवलप में लिख देता है, ऊपर लिखता है टू गॉड, फिर उसके बाद थोड़ा सा परेशान सा होकर के बैठ जाता है और टाउन की तरफ, शहर की तरफ जाता है लेटर को पोस्ट करने के लिए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और फिर जब वो ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में पहुँचता है तो वो जो है उस लेटर पे स्टैम्प लगा देता है और मेल बॉक्स में उस लेटर को वो डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। फिर एक एम्प्लॉय जो होता है, जो कि पोस्टमैन का भी काम करता है पोस्ट ऑफिस में, वो अपने बॉस के पास जाता है हंसता हुआ उस लेटर को लेके कि देखिए ये लेटर टू गॉड है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। वो कहता है कि पूरा करियर उसका हो गया अभी तक, जितना भी उसने पोस्टमैन का काम किया है, उसने भगवान का जो एड्रेस है वो तो उसे कभी पता नहीं लगा है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, एमिएबल होता है फ्रेंडली सा, प्लीजेंट सा, जो अच्छे व्यवहार करने वाले लोग होते हैं, फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग।
But almost immediately, he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith? I wish I had the faith of a man who write this letter, starting up a correspondence with God." फिर पहले तो वो जो बॉस होता है, पोस्टमास्टर जो होता है हेड पोस्ट ऑफिस का, वो हंसने लगता है, फिर एकदम से वो सीरियस हो जाता है. वो लेटर को टैप करता है, रखता है डेस्क पे और बोलता है कि काश ऐसी फेथ मेरे पास भी होती कि मतलब मैं भगवान को लेटर लिख पाता. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. तो फिर जो पोस्ट मास्टर हैं वो सोचते हैं कि ये जो इंसान है, ये जो व्यक्ति लेंचो है, इसकी जो फेथ है, इसकी फेथ होता है ना विश्वास भगवान में ना डगमगाए, इसलिए मतलब इसका हम आंसर करेंगे इस लेटर का. बट व्हेन ही ओपन्ड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन अ गुड विल, इंक एंड पेपर. फिर वो कहता है, जब वो लेटर को खोलता है, पहले तो वो लेटर बाहर से देखता है, लेटर टू गॉड, फिर सोचता है कि हम इसके, इस व्यक्ति के जो फेथ है उसको नहीं डगमगाने देंगे, हम इसका रिप्लाई करेंगे. फिर पोस्टमास्टर लेटर खोलता है, तो पोस्टमास्टर जब लेटर खोलते हैं तो देखते हैं रिप्लाई करने के लिए पेपर पेन के अलावा भी कुछ और ज़्यादा चाहिए होगा. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, मगर वो अपने रिजोल्यूशन जो वो सोचा होता है उस पर अड़ा रहता है. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give him something for an act of charity. फिर वो मतलब अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देता है, एम्प्लॉयज से भी कहता है कि आप लोग भी कुछ दें, और कुछ उसके फ्रेंड्स जो हैं चैरिटी के तौर पर पैसे देते हैं. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 pesos, मगर फिर भी पोस्ट मास्टर के लिए 100 pesos इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल होता है. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो मतलब 50 pesos से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही वो फार्मर को भेज पाता है. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. फिर वो मनी रख करके लेटर में जो है लेंचो को भेज देता है, और लेटर में सिर्फ और सिर्फ गॉड लिखा होता है. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम. तो संडे को, फॉलोइंग संडे, अगले संडे जो है लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है ये पूछने के लिए कि मतलब लेटर आया है क्या. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. फिर लेंचो जो है लेटर लेने आता है, तो पोस्टमैन खुद वो लेटर लेंचो को देते हैं, और पोस्टमास्टर जो थे वो अपने विंडो में से देख रहे थे, और मतलब काफ़ी एक होता है ना, खुशी सी होती है कभी हम लोग किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमें काफ़ी खुशी फील होती है. तो ऐसी ही खुशी जो है पोस्टमास्टर को हो रही होती है जब लेंचो को पोस्टमैन लेटर देते हैं, मतलब लेंचो को जब लेटर मिलता है ना तो पोस्टमास्टर को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही होती है. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट साइन ऑफ सरप्राइज सीइंग द मनी. लेंचो जो है उसको ज़रा सा भी सरप्राइज नहीं होता जब वो पैसे देखता है. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. तो मतलब जब उसको लेटर मिलता है, उसमें पैसे देखता है, तो लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ होता, मगर जब वो पैसे काउंट करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैज़ रिक्वेस्टेड. तो लेंचो जब पैसे देखता है, पैसे गिनता है, तो लेंचो को लगता है कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते हैं, और ना ही भगवान मना कर सकते हैं लेंचो को जो लेंचो ने भगवान से मांगा है. इमिडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. फिर एकदम से लेंचो जो है विंडो के पास जाता है और पेपर और इंक मांगता है लिखने के लिए. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. फिर उसके बाद फिर मतलब वो पब्लिक राइटिंग टेबल जो होती है वहाँ पर जाके लिखने लगता है, और उसके जो ब्रो होती है, जो आई के ऊपर जो आईब्रोज होते हैं ना, भौवे चढ़ा करके रिंकल करके वो लिखने की कोशिश कर रहा होता है. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट
टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड। फिर उसके बाद जब वो लेटर लिख लेता है, विंडो पे जाता है टिकट खरीदने के लिए और फिर उसको चिपका देता है फिक्स करने के लिए। अफिक्स्ड, ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, अफिक्स्ड टू एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट द मोमेंट लेटर फेल इन टू मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। फिर जैसे ही मतलब वो लेटर जो है लंचो लिख देता है और फिर बंद करके पोस्ट मतलब दे देता है पोस्ट वालों को, पोस्ट ऑफिस वालों को, और वो बॉक्स में चला जाता है। तो जैसे ही जो लेटर है बॉक्स में जाता है तभी जो है पोस्ट मास्टर आते हैं फटाफट से और उस लेटर को खोलते हैं। उस लेटर में क्या लिखा होता है, इट सेड गॉट ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। तो देखिए इसमें ऐसा होता है कि जो लेंचो लेटर लिख रहा होता है ना, वो क्या लिखता है उसमें, वो लिखता है कि भगवान आपने मतलब मैंने तो आपसे 100 पैसों मांगे थे, मत जो पैसे आए हैं इसमें तो सिर्फ 70 पैसों ही हैं, इसमें सिर्फ 70 पैसों हैं, आप मुझे बाकी के पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मगर वो पैसे जो है ना वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ना, ये लोग जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, दे आर द बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब ये लोग बहुत ही ख़राब लोग हैं जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले हैं। और लास्ट में वो लिखता है लेंचो। तो यही था चैप्टर अ लेटर टू गॉड। तो मतलब जिन लोगों ने उनकी लेंचो की हेल्प की हुई होती है उन्हीं लोगों के बारे में लेंचो ऐसा लिखता है। बट पता है देखिए इस चैप्टर में क्या है, इसमें मेनली जो है ना वो फेथ के बारे में बताया गया है कि एक इंसान की कितनी ज़्यादा फेथ होती है किसी चीज़ पे। तो देखिए आप लोग 10th में आ गए हैं या फिर मे बी आपके बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हों, तो फेथ रखिए कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करिए, कुछ मत सोचिए और कि क्या है क्या नहीं है, बस मेहनत करिए और ख़ुद में भरोसा रखिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।